हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी आरजू। कुछ महीनों पहले आप सबको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा हेयर इश्यूज़ फेस कर रही थी। ना ही हेयर फॉल हो रहा था, बट हेयर इतने ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे कि मुझे हमेशा हेयर को टाई करके बाहर जाना पड़ता था। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ द सीजन चेंज या फिर कुछ प्रॉब्लम तो हुई होगी। बहुत ही ज़्यादा हेयर फ्रिजी हो रहे थे, हेयर डैमेज हो रहा था, that ultimately lead to hair fall. But finally, I found a solution for my hair problems. मैंने try किया है Garnier Fructis Hair Food and I am loving these products क्योंकि ये मेरे hair को perfectly suit भी करता है, मेरे hair problems को भी काफ़ी हद तक reduce किया है। So बहुत ही ज़्यादा beneficial है ये hair food. So मैं आज के इस video में आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ my personal experience with these Garnier Fructis Hair Food. So make sure video पसंद आए, video को like करें, share करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है गार्नियर फ्रुक्टिस हेयर फूड। मेरे पास है दो वेरिएंट, एक है स्मूदिंग मैकेडेमिया हेयर फूड वेरिएंट, अनदर इज नरिशिंग बनाना हेयर फूड वेरिएंट, जो कि ड्राई हेयर के लिए है। दीज आर नेचुरल एंड ऑफ 98% ओरिजिन। And the best part is the packaging is recyclable. Also, इसका जो fragrance है that's so yum. मुझे ऐसा तो लगता है कि मैं इसे खा ना लूँ कभी, इतना creamy और ice cream जैसा लगता है ना, और fragrance भी बहुत tempting है। And in fact, यहाँ पर लिखा भी है that do not eat. So, I think best उन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये delicious ऐसा fragrance है and yum looking है। इसका 98% natural origin है and yes, it is vegan. इट इज़ क्रुएल्टी फ्री, इट इज़ रिसाइकलेबल, इसमें कोई पैराबेन नहीं है एंड इसमें कोई सिलिकॉन्स भी नहीं है। बट इसका जो कम्प्लीट रेंज है ना, इसमें इन पर्टिकुलर वेरियंट्स के शैम्पूज एंड कंडीशनर्स भी है। सो अगर आप चाहते हैं तो आप एक वेरियंट का इंटायर जो रेंज है शैम्पू कंडीशनर एंड दिस हेयर फूड उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इन दैट वे यू विल गेट मच मोर बेनिफिट्स एज वेल। इस हेयर फूड को आप तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका जो टेक्सचर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रेग्रेंस इज सो यम, मुझे तो ये अभी ही खाने का मन कर रहा है। बट नेवर्थलेस, कमिंग बैक टू द वीडियो, इसका जो टेक्सचर है वो इतना क्रीमी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है, ये आपके हेयर को इतना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना, डेफिनेटली यू शुड गिव दिस अ शॉट। आप इस हेयर मास्क को तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है तो एज अ कंडीशनर, आप इसे गीले बालों पर 30 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करके छोड़ दीजिए। आफ्टर 30 सेकेंड्स जस्ट वॉश ऑफ विथ नॉर्मल वाटर, हेयर इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत नरिश्ड एंड हेल्दी मैनेजेबल फील होता है। सेकेंड इज दैट आप इसे एज अ हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई हेयर पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है तो आप गीले बालों पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे अच्छे से हेयर पर मसाज कीजिए एंड लीव इट ऑन फॉर 1 मिनट। 1 मिनट बाद आप इसे वॉश कर दीजिए। टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, बट हेयर पर जो इसका इफेक्ट है ना, एक बार इस्तेमाल करोगे तो आप यू आर गोना लव इट। इस दैट आप इसे एज अ लीव इन क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट स्मॉल अमाउंट आपको लेना है एंड उसे अपने हेयर पर एज जैसे हम सीरम इस्तेमाल करते हैं वैसे अप्लाई करना है एंड देन लीव इट ऑन फॉर द डे। एंड आपका जो हेयर है वो इतना सॉफ्ट रहेगा, इतना मैनेजेबल रहेगा। सो ये तीन तरीके हैं जिससे आप इस हेयर फूड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड में कोई नास्टी इंग्रेडिएंट्स नहीं है एंड इज कमिटेड टू वीगन एंड सेफ फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। सो आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इमेज, तो इसमें ही इट इज क्वाइट एविडेंट अबाउट दिस हेयर मास्क कि ये कितना ज्यादा आपके हेयर को सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बना देता है।
मेरे हेयर ना काफ़ी ड्राई है, इनफैक्ट माई स्किन इज़ ऑल्सो वेरी ड्राई, माई हेयर इज़ ऑल्सो वेरी ड्राई, फ्रिजी हेयर है, स्पेशली माई एंड्स आर सो मच ड्राई, तो एंड्स में भी आप लोग देख सकते हैं कितना हेल्दी लुकिंग हो गया है माई हेयर. सो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हैं वीकली ट्वाइस, देन डेफिनेटली आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इसके. काफ़ी और वेरियंट्स भी है, आप चाहते हैं तो उनको ट्राई कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें. माई कंक्लूजन अबाउट दीज हेयर फूड इज दैट डेफिनेटली यू शुड ट्राई दीज हेयर फूड्स, दीज आर डिलीशियस, दीज आर सो यमी, एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड इसे आप तीन तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो 3-in-1 प्रोडक्ट है आई वुड से, एंड हेयर पर जो इसका इफेक्ट है ना, ट्रस्ट मी यू आर गोना लव दिस आफ्टर फर्स्ट यूज ओनली, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर को सॉफ्ट, मैनेजेबल एंड शाइनी बना देता है, हेल्दी बना देता है. सो डेफिनेटली एक बार ज़रूर इन्हें ट्राई करें. दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय.